हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द प्राइस एक्शन ट्रेडर। तो आज हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में, जिसका हम यूज़ करेंगे 20 EMA का। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसमें हम सिंपल डेली टाइम फ्रेम का यूज करेंगे और 20 EMA का यूज़ करने वाले हैं। तो इसको आप BTST के लिए यूज कर सकते हैं एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, दोनों केस में ये एप्लीकेबल। फाइन, तो देखिए हमारा जो रूल क्या है, उसमें पहला रूल ये है कि जो हमारा स्टॉक है ना वो ट्रेंडिंग में होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए जो हमारा पहला है, स्टॉक शुड बी इन ट्रेंड। मैं भी बताने वाला हूँ कि कैसे ट्रेंड का क्या मतलब है, और उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। जो आपका टाइम फ्रेम होगा वो 1 डे का होगा, ठीक है। ये किस में काम नहीं करता, लिमिटेशन क्या है इसकी, साइडवेज एंड कंसोलिडेशन मार्केट होती है तो उसमें काम नहीं करेगा। एंट्री कब करनी है, जब कैंडल 20 EMA के को टच करे या उसके आसपास आ जाए। और जिस तरह की हमें पता होता है कि एंट्री के साथ साथ हमें एग्जिट भी पता होना चाहिए, तो एग्जिट है हमारा जो भी आपका रिस्क है उसका डबल अगर प्रॉफिट हो जाए तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तुरंत आपको बता देता हूँ कि ट्रेंड का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये कोई स्टॉक है, ठीक है, उसका प्राइस कैंडल्स ऐसे ऐसे अपसाइड मूव कर रही है, तो इसे हम कहते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक। फाइन, अगर कोई स्टॉक सिर्फ उसका प्राइस ऐसे साइडवेज जा रहा है तो इसे कहते हैं साइडवेज या फिर कंसोलिडेटिंग स्टॉक। तो ये स्ट्रेटजी इस मेथड में तो काम करेगी लेकिन इस मार्केट में काम नहीं करती है, ठीक है। तो चलिए हम इसको चार्ट में देखते हैं, और सो डैट कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और हमें समझ आ जाए कि काम कैसे करता है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने खोल रखा है इंडिगो का चार्ट, एंड जिस तरह मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट क्या होना चाहिए, सीधा ट्रेंड में होना चाहिए। यहाँ देखो ये सीधा अपसाइड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है ट्रेंड में, इसका मतलब स्ट्रेटजी यहाँ पर काम करने वाली है। तो सिंपल सा, इसके लिए हम पहले 20 EMA को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए मैंने 20 EMA लगा लिया है। अगर आपको नहीं आता लगाना तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा इंडिकेटर कैसे लगाए जाते हैं। फाइन, तो देख सकते हैं 20 EMA लगाने के बाद हम एंट्री कहाँ लेनी है। सबसे पहली बात, जैसे ही 20 EMA के आसपास मार्केट टच करे यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, और जो भी रिस्क है इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट इसका डबल बुक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो मार्केट किसी तरह इस तरह नीचे आ जाए, वापस 20 EMA के ऊपर क्लोज करती है, तो आप दोबारा री एंट्री कर सकते हैं, प्रॉफिट को यहाँ कहीं बुक कर सकते हैं। बस कंडीशन है कि स्टॉक इस तरह ऊपर की तरफ अपसाइड ट्रेंड में होना चाहिए, अगर ट्रेंड में नहीं है तो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो देखिए कितने एंट्री पॉइंट्स मिले, एक एंट्री यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये इलेक्शन रिजल्ट आया था इसलिए बड़ी कैंडल बनी पड़ी, अदरवाइज़ यहाँ पर भी एंट्री है आपके पास, है ना। तो इस तरह से आप बड़े सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो करके मार्केट में BTST या स्विंग ट्रेडिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। सिंपल 20 EMA का यूज करना है और डेली टाइम फ्रेम को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो चलिए और एग्जांपल देखते हैं हमारे पास क्या है। भारती एयरटेल का है मेरे पास एग्जांपल, जो कि बहुत स्मूथ है। देखो कंडीशन क्या मीट हो रही है हमारी, हाँ, कि स्टॉक सीधा अपसाइड इस तरह अपसाइड जा रहा है, इसका मतलब ट्रेंड में है। तो जैसे ही 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे, अगर नीचे से आ रहा है तो आप यहाँ से लॉन्ग लेके यहाँ तक कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। हल्का सा साइडवेज हुआ, उसके बाद यहाँ से वापस आ गया, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको एंट्री दी, फिर यहाँ पे ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे एंट्री दी और उसके बाद वापस ऊपर चला गया। इस तरह मल्टीपल टाइम आपको एंट्री मिलेगी। हाँ, कुछ केसेस में आपको स्टॉप लॉस भी हिट होंगे तो इट्स फाइन, मतलब कोई ट्रेड स्ट्रेटजी ऐसी नहीं जो हमेशा काम करे, बट देखिए यहाँ कितने स्मूथली काम करिए, 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ पर एंट्री की, यहाँ पर तो आपने प्रॉफिट बुक भी कर लिया होगा, उसके बाद मार्केट नीचे आई है क्योंकि यहाँ पर एंट्री है तो स्टॉप लॉस यहाँ होगा और टारगेट उसका डबल, ये तो 3x 4x दे के चला गया है। फाइन, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, हैवेल्स का एग्जाम्पल देखते हैं। तो हैवेल्स भी देखिए कुछ टाइम से आप ट्रेंड में ही चल रहा है, ये देखिए आप ट्रेंड में, यहाँ पर एंट्री, टारगेट यहाँ बुक, यहाँ कहीं एंट्री, टारगेट यहाँ कहीं बुक, यहाँ कहीं एंट्री, टारगेट यहाँ कहीं बुक, ठीक है। मैं यहाँ टारगेट बुक करने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने यहाँ कहीं एंट्री ली है तो स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, सीधी बात है। तो यहाँ तो डबल 2x तो मिल ही चुका है, जो भी रिस्क थी उसका डबल मिल चुका है। यहाँ पर देखो आपको ग्रीडी नहीं होना, अगर आप ग्रीडी हो गए तो फिर तो स्टॉप लॉस आपका हिट होने का ही है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि अब तीन एग्जांपल तो देख लिया मैंने कहाँ काम करती है, अब देखते हैं कहाँ काम नहीं करती। ये है डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट, मैंने खोल रखा है। देखो यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या बताई थी, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, लेकिन क्या अप ट्रेंड में है, यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड में हुआ उसके बाद ऐसे ऐसे करके साइडवेज चला गया है, तो यहाँ पर स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। फिर भी यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट टाइम के लिए अप ट्रेंड में था, तो देखिए यहाँ पर एंट्री मिलने के बाद यहाँ पर चला है, लेकिन उसके बाद मार्केट हो गई साइडवेज, तो यहाँ पर काम नहीं करने का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कोटक बैंक। तो यहाँ पर भी देखो आप,
मार्केट क्या है, बिल्कुल फ्लैट है, एक तो ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, तो इस तरह की फ्लैट मार्केट में स्ट्रेटजी काम नहीं करती, स्टॉक ट्रेंड में ही होना चाहिए, डेट्स इट। तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा एक सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव 20 MA स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग एंड BTST के लिए मैंने आपको बताई है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है क्या सिर्फ लॉन्ग ट्रेड के लिए लिया जा सकता है, क्या शॉर्ट ट्रेड के लिए नहीं है? तो शॉर्ट ट्रेड के लिए भी है स्ट्रेटजी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आप उस वीडियो को चाहते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।